दोस्तों हर रोज रियलमी के किसी ना किसी फोन में कोई ना कोई अपडेट आता ही रहता है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ रियलमी 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रियलमी 3 के अंदर हमें एक नया अपडेट रिसीव हुआ है और ये काफी बड़ा अपडेट है रियलमी 3 यूजर्स के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस अपडेट के अंदर रियलमी 3 के अंदर हमें क्या नया देखने को मिलेगा और इसके अंदर क्या खास फीचर्स ऐड होने वाले हैं रियलमी 3 के अंदर इस अपडेट को करने के बाद। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां ध्यान से देखें, यहां मेरे पास Realme 3 है और आज के इस वीडियो में हम इसके अंदर जो नया अपडेट आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम फोन की सेटिंग्स में चलते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहां आप ध्यान से देखें तो यहां सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर हमें एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है। तो चलिए हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं और इसे क्लिक करने के बाद यहां हम देखते हैं कि यहां हमें कौन सा अपडेट रिसीव हुआ है और इसके अंदर क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा। तो जैसा कि गाइस आप यहां ध्यान से देखें, यहां पर इस अपडेट की अगर साइज की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 281 MB का ये अपडेट है। चलिए खैर लर्न मोर पर क्लिक करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि गाइस आप यहां अपडेट लॉक को ध्यान से देखें तो यहां ऑप्टिमाइज डिस्प्ले क्वालिटी एंड एडेड लॉक स्क्रीन मैगजीन। जी हां दोस्तों, ये काफी बड़ा फीचर्स है और ये काफी यूजर्स को काफी समय से इसका वेट था लॉक स्क्रीन मैगजीन का। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ अपडेट डिफॉल्ट थीम जो है हमारा वो भी यहाँ चेंज कर दिया गया है और यहाँ डिफॉल्ट वॉलपेपर वो भी हमारा चेंज कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ सिक्योरिटी पेज लेवल की बात की जाए तो यहाँ 5 मई का रियलमी 3 के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा और यहाँ कुछ एप्लीकेशन भी ऐड की गई हैं जिसके अंदर यहाँ रियलमी थीम स्टोर ऐड किया गया है और रियलमी ऐप मार्केट एंड उसके बाद रियलमी गेम सेंटर देखने को मिला है और साथ ही साथ यहाँ रियलमी कम्युनिटी ऐप भी देखने को मिलेगा इस रियलमी 3 के अंदर इस अपडेट को करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़े जो मेजर अपडेट हैं वो लॉक स्क्रीन मैगजीन और यहाँ पर जो थीम स्टोर की एप्लीकेशन है वो हमें देखने को मिलेगी रियलमी 3 के अंदर इस अपडेट को करने के बाद। चलिए खैर दोस्तों, अब मैं फटाफट जल्दी से हम इस अपडेट को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद देखेंगे कि हमें किस तरह का थीम स्टोर देखने को मिलेगा और जो लॉक स्क्रीन मैगजीन है वो हमारी किस तरह की हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए जब तक हमारी ये अपडेट डाउनलोड हो रही है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और डाउनलोड होने के बाद हम इसको अपडेट करेंगे अपने फ़ोन को। सो फाइनली गाइज हमारे फ़ोन की जो अपडेट है वो डाउनलोड हो चुकी है। चलिए अपडेट नाउ पर क्लिक करके हम अपने फ़ोन को अपडेट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइज हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और कम्प्लीटली ये अपडेट हो चुका है। चलिए खैर दोस्तों अब फटाफट जल्दी से चेक करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ खास नया देखने को मिला है। तो दोस्तों इसके अंदर जो खास फीचर्स हैं चलिए मैं आपको उन्हें दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन मैगजीन की। तो इसके लिए हम सेटिंग्स में चलते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखें, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन के नाम से यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेगा, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है जिसके अंदर आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ लॉक स्क्रीन मैगजीन के अंदर ये अभी हमारा इनेबल है और यहाँ से आप इसको जो है अपडेट यूजिंग मोबाइल डाटा इसको भी आप यहाँ से ऑन कर दीजिए जिससे कि आपके जो लॉक स्क्रीन के जो वॉलपेपर हैं वो ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। चलिए खैर मैं आपको एक बार इसे दिखा देता हूँ। तो जैसा कि गाइस आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ हमारी जो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिक हर बार चेंज हो रहा है और दोस्तों आप इसको इस तरह से स्लाइड करके भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर्स हम काफ़ी बढ़िया फीचर्स है जो कि हमें रियलमी 3 के अंदर मिल चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं थीम स्टोर की कि थीम स्टोर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ हमें थीम स्टोर का भी ऑप्शन रियलमी 3 के अंदर ऑफिशियली देखने को मिल चुका है और यहाँ आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको रियलमी थीम स्टोर लिखा हुआ शो होगा। तो यहाँ चलिए खैर इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे और किस तरह का ये वर्क करता है इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। चलिए खैर दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके अंदर गेम सेंटर और एप्लीकेशन सेंटर के बारे में। तो यहाँ दोस्तों हमें ये भी मिल चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देखें यहाँ हॉट ऐप्स का एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है रियलमी 3 के अंदर और यहाँ आप ध्यान से देखें तो यहाँ हॉट गेम्स का भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रियलमी 3 के अंदर। दोस्तों ये सारे के सारे फीचर्स इस फ़ोन को अपडेट करने के बाद आए हैं। चलिए खैर आप देख लेते हैं कि सिक्योरिटी पेज लेवल हमें इसके अंदर कौन सा देखने को मिलता है। तो इसके लिए चलिए हम अबाउट फोन के अंदर चलते हैं और अबाउट फोन में जाने के बाद दोस्तों आप यहां ध्यान से देखें तो जो सिक्योरिटी पेज लेवल है वो 5 मई 2019 का हमें रियलमी 3 के अंदर देखने को मिलता है और जैसा कि आप यहां ध्यान से देखें जो मॉडल है वो हमारा रियलमी 3 RMX 1825 हमें इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि रियलमी 3 है हमारा फ़ोन है, ये इस बात की पुष्टि करता है। और दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ मेरे पास रियलमी 3 प्रो है और अभी तक ये अपडेट इस रियलमी 3 प्रो के अंदर भी नहीं आया है जो कि हमें रियलमी 3 के अंदर देखने को मिला है। तो चलिए खैर फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं।